आरसीबी ने आते ही तो टीम ने कप्तान भी बना दिया। ऑस्ट्रेलिया टूर पर जाने वाली वेस्ट इंडीज टीम के इस बार के अल्जारी जोसफ बतौर कप्तान की भूमिका में जाएंगे और आरसीबी के वाइस कैप्टन भी अल्जारी जोसफ ही होंगे। अल्जारी जोसफ भाई लोगों कोई तुक्का नहीं है, बल्कि वो तो एक सोची समझी साजिश के तहत ही प्लान को क्रिएट किया गया था। दरअसल फाफ डु प्लेसी और आरसीबी के हेड कोच एंडी फ्लॉबर्ट ने अल्जारी जोसफ को साउथ अफ्रीका टी20 लीग और केडीबीआई प्रीमियर लीग में अच्छे से भाप लिया था और उनका यह प्लान एकदम सीक्रेट था कि हमें पैट कमिंस के पीछे नहीं जाना है, दरअसल हमें सिर्फ और सिर्फ अल्जारी जोसफ के पीछे ही भागना है। इसीलिए उन्होंने 11.5 करोड़ की भारी भरकम रकम के साथ में अल्जारी जोसफ को अपनी टीम में चुना, क्योंकि उनकी टीम में आने से टीम मजबूत हो चुकी है। जहां पे एक लग रही थी कड़ी आरसीबी की टीम में कम बॉलर की, तो वो अल्जारी जोसफ पूरी कर देंगे। और एक बात और कान खोलकर सुन ले कि आरसीबी की टीम को इस बार हल्के में नहीं लेनी होगी, क्योंकि आरसीबी की टीम में कैमरून ग्रीन के साथ जो किडनी की प्रॉब्लम चल रही थी वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है और अब उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और अब सभी लोग ये कह रहे हैं कि इस बार आरसीबी की टीम पहले की टीमों से बहुत मजबूत है और इस बार आरसीबी इस बार का ताज अपने सर पर ही लेकर आएगी। और विराट कोहली की तो क्या ही कहे, विराट कोहली हो सकता है इस बार आरसीबी की टीम को लीड करे, क्योंकि एंडी फ्लॉबर ने साफ साफ कह दिया है कि विराट कोहली इस बार आरसीबी टीम के कप्तान होंगे और फाफ डु प्लेसी इस बार नहीं होंगे टीम के कप्तान।